हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। आज मैं आपको बताने जा रही हूं कैल्शियम की कमी को हम कैसे दूर कर सकते हैं। कैल्शियम की कमी अकेला ये नहीं है कि आपकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हैं, ऐसे देखें तो कैल्शियम की कमी है। कुछ लोगों के नाखून बहुत कमज़ोर होते हैं, उनको बिना नेल कटर के ही कट हो जाते हैं, यानी कि दूसरे हाथ से ऐसे करा और कट हो गए। कुछ लोगों के दांत इतने भुरते रहते हैं। तो ये भी जो सिम्टम होते हैं, ये बॉडी में कैल्शियम की कमी के होते हैं। हड्डियां कुछ लोगों की इतनी कमज़ोर होती हैं, किसी चीज़ से टकराने पर ही दर्द होने लगती हैं। अगर आप भी इन चीज़ों की, यानी कैल्शियम की कमी को बॉडी में पूरा करने के लिए मेडिसिन खा रहे हैं, तो मेडिसिन को अवॉइड करें और अपनी डाइट और ट्रीटमेंट कुछ ऐसा फॉलो करें जिसके साइड इफ़ेक्ट भी ना हो और बहुत लंबे टाइम तक आप उसे नहीं करना पड़े। तो आज बात करते हैं ऐसे ही ट्रीटमेंट की और डाइट प्लान की जो कि आपकी बॉडी में से कैल्शियम की कमी को दूर करता है। अब बात करते हैं वीडियो के टॉपिक के बारे में, कैल्शियम की कमी को कैसे पूरा किया जाए। सबसे फर्स्ट तो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें हम बाहर फेंक देते हैं। डाइट जो कोई भी ट्रीटमेंट है तभी परफेक्ट, तभी अपना पूरा काम करेगा अगर आप डाइट पूरी तरह लेंगे। अगर आप डाइट अधूरी ले रहे हैं तो वो कोई भी ट्रीटमेंट हो, चाहे होम्योपैथिक, एलोपैथिक या फिर आयुर्वेदिक, वो इतना काम नहीं करेगा। जो मूली के पत्ते होते हैं, गाजर के पत्ते होते हैं, वो क्या कह सकते हैं, मूली के पत्ते, गाजर के पत्ते, ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें हम बाहर फेंक देते हैं, लेकिन इनको खाने से हमारी बॉडी में कैल्शियम की कमी जो होती है वो पूरी होती है। इसके अलावा जो गोभी के डंठल होते हैं वो बाहर फेंक दिए जाते हैं, तो उनको खाने से भी बॉडी में कैल्शियम की कमी पूरी होती है। इसके अलावा आड़ू और आलू बुखारा खाने से बॉडी में खून भी बनता है और कैल्शियम की कमी भी पूरी होती है। इसके अलावा डाइट में जौ और सिंघाड़ा भी शामिल करें। सुबह की धूप ज़रूर लें जो कि विटामिन डी और कैल्शियम से भरपूर होती है। अब बात करते हैं ट्रीटमेंट की। ये तो था डाइट कि आपको डाइट ज़रूर फॉलो करनी है, ये नहीं कि अकेला ट्रीटमेंट ही फॉलो करें। अब एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इसे सर्दियों में कैसे खाएं और गर्मियों में कैसे खाएं। गर्मियाँ चल रही हैं इसीलिए फर्स्ट गर्मियों से स्टार्ट करते हैं। गर्मियों में कैसे खाना है, आपने 1 किलो भुने हुए चने लेने हैं। आप क्वांटिटी को चेंज कर सकते हैं, मैं आपको बता रही हूँ। 1 किलो भुने हुए चने लेने हैं आपने और 250 ग्राम बादाम लेने हैं। इसमें आपको 50 ग्राम काली मिर्च लेनी है। इन तीनों को पाउडर बना लीजिए और दूध के साथ लीजिए। गुनगुना दूध हो, बहुत गर्म नहीं, गुनगुने दूध के साथ लेना है। ऐसे लेने से बॉडी में कैल्शियम की कमी दूर होती है, यानी हमारी हड्डियाँ जो हैं वो स्ट्रांग होती हैं। जिनकी हड्डियाँ बहुत दर्द करती हैं, घुटने दर्द करते हैं, उनको ये ट्रीटमेंट गर्मियों के दिनों में ज़रूर शामिल करना चाहिए अपनी डेली रूटीन में। अब बात करते हैं सर्दियों में कैसे लें। इसी तीनों के तीनों मिक्सचर को सेम क्वांटिटी में आपने, जैसे किलो, 1 किलो के करीब आपने भुने हुए चने लिए थे, आपने आधा किलो देसी घी लेना है। इन तीनों चीज़ों को भून लेना है, यानी काले चने, बादाम और काली मिर्च को घी में भून लेना है और इसे खा लेना है। एक चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें कि हाई बीपी पेशेंट भुने हुए चने तो खा सकते हैं, बादाम भी खा सकते हैं, काली मिर्च भी खा सकते हैं, लेकिन वो घी में इन्हें भूनकर नहीं खा सकते, वो इनका नॉर्मल पाउडर ही दूध के साथ लें। ये था एक बहुत ही खास ट्रीटमेंट उन लोगों के लिए जिनकी हड्डियां बहुत कमज़ोर हैं या फिर उनको ऐसे लगता है कि उनकी बॉडी में कैल्शियम की कमी है। अगर आप इसी वीडियो को पंजाबी में सुनना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पंजाबी में लिंक मिल जाएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ अपने कमेंट्स के द्वारा ज़रूर बताइए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ इसे ज़रूर शेयर करिएगा। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरी आने वाली वीडियोज़ की इन्फॉर्मेशन, उसके अपडेट्स भी आपको मिलते रहें, और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में सेम टाइम, यानी सुबह के 9 बजे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, ऑलवेज बी हैप्पी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। ओके, बाय।